पहिलो त मलाई यो नेपाली र हिन्दीमा नै पहिले कन्फ्युज भइसकेको थियो कि युट्युबमा काम गर्ने बेलामा चाहिँ फर्स्ट चाहिँ काफी यहाँ चेहरों में परिचित हो, आप लोग भी थोड़ा बहुत परिचित होंगे। मैं साधा सर यहाँ कर रहा हूँ और कई लोगों के साथ मिलकर अभी एक बहुत अच्छा एक हम लोग एक ये कॉन्सेप्ट एक आइडिया लेके आए हैं। अजय जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जब मेरी पहली हिंदी फिल्म थी उसके ये म्यूजिक डायरेक्टर है। तो हम लोग ने एक प्लान किया है कि जो यहाँ का टैलेंट है, जो यहाँ के फिल्में जो बन रही हैं, यहाँ पर एल्बम्स बन रहे हैं, यहाँ के जो कलाकार हैं, इन लोगों को इंडिया में भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग दे सके। और इसके लिए जी म्यूजिक का जो आकांक्षा शर्मा का जो गाना था, हिंदी गाना था, हम लोगों ने नेपाल में शूट करने का प्लान किया, क्योंकि इसमें सारे टेक्नीशियन नेपाल के, हमारे जो मेन लीड के आर्टिस्ट हैं शमीम, वो भी नेपाल के, और सारा लोकेशन नेपाल का हम लोगों ने कोशिश किया है। और इस चीज़ को हम लोग जाके अपना जी म्यूज़िक में और जिस तरह से बहुत ज़रा अच्छे तरीके से हम लोग इसको पेश करेंगे। मामा जी, अजय जी, आकाश जी एंड ब्यूटीफुल लेडी, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। इट्स अ ग्रेट थिङ कि जुनै कुरा कला संस्कृतिलाई अलिकति फस्टाउनको लागि वी निड प्लेटफर्म्स। सो जी म्युजिक भनेको एउटा ठुलो प्लेटफर्म हो। सो त्यो प्लेटफर्म यहाँ नेपालसँग आउनलाई इट्स अ भेरी पोजिटिभ फिल, इट्स अ भेरी पोजिटिभ भाइ। सो हामी सबैजना मिलेर यो खुसीको मौका, इट्स एन अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ पोजिटिभली स्वीकार। थ्याङ्क यू प्रानन्द दाईजी, सबैजनाले मामा भन्छ। उहाँले केही समय अगाडि म आफू यहाँ थिइनँ, बिहान चौधरी फोन गर्नुभएको थियो, एउटा कार्यक्रम गर्दैछु मेरो दक्षिण आउनुहोस् भनेर। म दुई चार दिन मात्रै भयो आएको र उहाँले यो आरम्भ फिल्म र आमुफारी उसको आमुफारी ट्याङ्कम्यान गरेर यहाँ गीतको ट्याङ्कम्यान भइसकेको रहेछ, जुन चाहिँ बिटिभीमा यसलाई प्रसारण गर्ने उहाँको चाहना छ। मामाजी एकदम पुरानो हाम्रो चिन्ना निरज जैन हुनुहुन्छ, एकजना उहाँ आउनु भएको छैन, उहाँले उहाँलाई मामाजी, हामीले फागु चलचित्र बनाउँदाखेरि पनि मामाजीको र निरजजीको यसमा सहयोग थियो। त्यही पत्रकार यहाँ पे आए, बहुत छोटा फंक्शन नहीं है, हमारे पास स्टार के नाम पे गेहूँ लेकर आकांक्षा शर्मा है जिसको हम लोग यहाँ लेके आए, और आकाश जी ने काफ़ी कुछ डिटेल बताया आपको। ऐसा ही कुछ प्लानिंग है कि हम लोग यहाँ के टैलेंट को वर्ल्ड लेवल पे लेके जा सकते हैं। मैं आया था यहाँ पे आकाश जी के बुलाने पे और उन्होंने बोला कि यहाँ बहुत कुछ है, यहाँ टैलेंट बहुत है, यहाँ टेक्नीशियंस बहुत अच्छे हैं, लोकेशंस बहुत अच्छी है। मैंने देखा तो था काफ़ी नेपाली गाने यूट्यूब पर, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो देखा कि वाकई बहुत अच्छा टैलेंट है यहाँ पे। और हम लोग भेट भैर भेट भैर अभी पूरा भैर अभी वहाँ एक चोटी यो तिम्रो फोटो मैं पठाएको छु भन्नुभयो हैन, अनि मलाई सुरुमा त कस्तो कस्तो लाग्यो के हो कि हैन हो कि हैन, यो भन्दा पनि होइन कि मैले उहाँलाई विश्वास गर्दिनँ, जी म्युजिकबाट यसरी आउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिक कस्तो कस्तो लागिरहेको थियो हैन।
त्यसपछि चाहिँ ल ठिकै छ भनेर म चाहिँ आफ्नो स्केड्युललाई चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ खाली बनाउन लागेको थिएँ। त्यसपछि जर्नी सुरु भयो, म आफ्नो प्रिपेरेसनमा लागेँ, उहाँ आफ्नो प्रिपेरेसनमा लाग्नु भयो र म उहाँलाई एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। आकाश भाइ धेरै धेरै धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आपको भांजे के नहीं आकाश के नाम से ही जाने और आपका जो सक्सेस है आकाश चुके भिंगली जी आऊद मैं हाई। आई लाइक टू थैंक अजय सर, बहुत बहुत हिम्मत का काम है सर, बहुत हिम्मत का काम है और रियली अप्रिशिएट इट। आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम bottom of my heart that you came here, you did the thing and it really went so good. I had like a wonderful journey. I had I got opportunity to work with talented singers like Jyotika and Akansha who are really famous. One of them famous hununcha ra waha ko gita maile sunirahe ko thie. I'm really thankful to you as well and I'm also glad that I got opportunity to work with Srishti Kharka as well. उहाँको चाहिँ एकदम एनर्जी छ क्या धेरै होइन, अनि सुटिङको बेलामा चाहिँ त्यो एनर्जी सिफ्ट हुँदो रहेछ क्या, त्यसले गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ गाह्रो हुने होइन, अनि उसको एनर्जीले गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल बढी आउँथ्यो क्या। सो आइ एम रियली थ्याङ्कफुल टु यु एज वेल, आइ एम थ्याङ्कफुल टु राजन भाइ एज वेल मावली, जो चाहिँ उहाँले जुन हिसाबले पुस गरेर यो कामलाई चाहिँ सक्सेस लेभलमा लानु भयो त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद, शुक्रिया आपका। र यो सबै कुरामा चाहिँ म एकजना मान्छेलाई चाहिँ भुल्न चाहन्न, उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो रितु दिदी, मल्टी ट्यालेन्टेड, रियली मल्टी ट्यालेन्टेड होइन, उहाँ आफ्नो काम बाहेक पनि उहाँले हामीलाई टेक केयर गर्न पनि भ्याउनुपर्छ क्या दिदी, यस्तो भनेपछि ल बाबु भनेर एउटा मायाको साथ चाहिँ उहाँले जुन देखाइदिनु भयो त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसरी गरी हुनुहुन्छ हाम्रो बानी दिदी, धेरै धेरै धन्यवाद है। तो पोस्ट है बहुत कम समय में आपने इतना कुछ प्लान किया तो आई वुड लाइक टू स्पेशली मेंशन दैट थैंक यू सो मच टू ऑल द पीपल हु ऑल ऑफ यू आर सिटिंग देयर देयर सो मेनी मीडिया पीपल इन फ्रंट ऑफ मी सो यू ऑल टुक आउट ऑफ योर टाइम प्रेशियस टाइम और आप सब इतने कम टाइम के इनविटेशन पे हम सब के लिए यहां गैदर हुए। आई थिंक वी आर रियली 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 थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड एज अजय सर वाज टॉकिंग अबाउट दिस वेंचर व्हिच एक्चुअली मुझे नहीं पता था बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि ऐसा हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं एंड एबल टू बी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस बिग प्रोजेक्ट। नेपाल के जितने भी टैलेंटेड आर्टिस्ट है, सृष्टि सच अ ब्यूटीफुल लेडी एंड ऑफकोर्स आई मीन सच अ गुड एक्टर, एक्टिंग हमने कम देखी है, मॉडलिंग बहुत देखी है, तो टेक्नीशियन आई मस्ट से दीदी बानी जी एवरीबडी इनफैक्ट ऑल द कैमरा पीपल आप लोग सब इतने हार्ड वर्किंग हो। मैं इरिटेट हो गई थी थोड़ा इतना काम कर करके बैक टू बैक बट आई मस्ट से आप लोग ने दिन रात इतनी अच्छी तरीके से मेहनत करी है। आई थिंक आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल द टेक्नीशियंस आउट देयर इन नेपाल, ऑल यू लवली पीपल। और हम जो वीडियो पे काम कर रहे हैं मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको ब्रीफली बताना चाहूँगी क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन आपने बहुत अच्छे से और भी दे दिया है। सो दिस वीडियो इज़ वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस। सबसे ज़्यादा स्पेशल ये बात है कि नेपाल के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, बी इट आर्टिस्ट मॉडल टेक्नीशियन, मेकअप हमारा किया, हेयर हमारा किया, जितने भी लोग हैं उन सबको एक जी म्यूजिक कंपनी इज़ अ ह्यूज प्लेटफॉर्म इन इंडिया, इनफैक्ट एवरीवेयर आई वुड से बहुत ही पॉपुलर है, बहुत होल्ड है, तो वहाँ पे जाने हम लोग इस गाने को प्रेजेंट करेंगे। अजय सर आपको सर मामा जी बोलते हैं, मुझे भी मामा जी याद है आकाश जी। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्रोजेक्ट, हमने बहुत प्यार से और बहुत मेहनत के साथ में गाना बनाया है। तो तेरे संग यार जो प्ले हुआ था दैट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स, तो उसकी दो लाइन है। आई एम श्योर आप सबने सुना है गाना, सुना आपने सबने गाना कुछ सॉन्ग? अरे आप लोग को फोटो खींचने के अलावा थोड़ा जोर से बोल के भी बताइए, एनर्जी सुना है आपने गाना? नहीं आप अभी हमने सबने सुना है, आई एम श्योर आप सबने सुना होगा। मैं बस ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि जरा मेरे साथ दो लाइन अगर आप लोग भी गुनगुनाएंगे तो हमें भी आप लोगों की आवाज सुनने का मौका मिलेगा। एनीवेज तो हियर आई गो।
सबै सामु एकचोटि सामेल भइदिनु होला र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।